ये फरका बात की है। ये क्या दीदी जी, ये हाथोरी से है दीदी मैम। और जो हमारा स्टाफ है बहुत वीआईपी स्टाफ जो हमेशा आपको साथ में लेकर प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेटर, जैसे कि आपको तैयारी हो जाएगी, आपकी पूरा परीक्षा हो जाएगी तो उसके प्लेसमेंट की तैयारी अभी से चलेगी। हमारा प्रयास ये होगा आपको नौकरी मिल जाए, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये होगा कि वो नौकरी हम आपको करने ना दें। हाँ, कुछ लड़कियों को हम नौकरी पे भेजेंगे केवल जो पांचवें छठे अब जो छठे सेमेस्टर में आ गई हैं और बहुत डिस्टर्बेंस करती हैं, इनको हम बहुत जल्दी विदा कर देंगे। पहली पहली नौकरियों में उनको हम विदा कर देंगे, बाद बाकी जो लड़कियों की नौकरी लगेगी उनको अगली ट्रेनिंग के लिए और अगला स्टार्टअप जो चालू होगा स्टार्टअप का पार्ट बनाने के लिए उनको रोकेंगे। भाई स्टार्टअप जो हमारा है उसमें कौन करेगा काम, तो उसके लिए भी तो हमें अच्छे बच्चे चाहिए, और जो ऐसे ही हैं वो चले जाएंगे, बात ख़त्म करेंगे हम उनकी, ठीक है नहीं। तो स्टार्टअप के लिए हम बच्चों को रोकेंगे, और जो स्टार्टअप के लायक नहीं है उनके लिए प्लेसमेंट के द्वारा उनको जॉब दे करके दूसरी कंपनियों में भेज देंगे, ठीक है। तो उस प्लेसमेंट का ऑफिसर है प्रियंका, प्रियंका मैम है आपके लिए, प्रियंका मैम है हाँ नंबर दो, यानी कि प्लेसमेंट की भी तैयारी आपकी चल रही है, और नंबर दो पे आपकी सुपरस्टार काउंसलर उजाला मैडम है। नंबर तीन पे रिसेप्शन है, जहाँ पर किसी भी बच्चे को किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उस रिसेप्शन पर जाकर के अपने प्रॉब्लम को लिखेगा, बताएगा, नोट कराएगा। वो अगले स्टेप ये नहीं कि आप कोऑर्डिनेटर के पास सीधे चले जा रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप रिसेप्शन पर जाइए, उससे बात कीजिए, उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो नोटिंग करके फॉरवर्ड कर देगा आपके काउंसलर के पास, वो उसको सॉल्व करवाएगा, स्टेप पे चलेगा सिस्टम, ठीक है। और वो रिसेप्शन पर जो हैं वो हैं आपकी बीच की सरस्वती, सरस्वती जी बैठी हैं, ये बैठी हैं, और एक मोबिलाइजर है, मोबिलाइजर का भी एक कार्य पद है, वो हैं इन्हीं के रिश्ते में मजाक जैसे वो चलता था चाचा चौधरी है और साबू, उसमें साबू चाचा चौधरी क्या कहता था चाचा, तो क्योंकि चाचा का जो दिमाग चलता है वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है, तो चाचा का दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चलता है। ऐसे ही इनके एक भतीजे पतंग मोहन पांडे, वो चचा भतीजे, तो हम ये चाहते हैं कि वो साबू वो पतंग मोहन पांडे अपने चाचा के कंप्यूटर के साथ मिलकर माइंड वाले यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मोबिलाइज कर सके। तो मोबिलाइजर के तौर पर पतंग मोहन पांडे जी रहेंगे, और सेंटर का नाम आप जान चुके हैं VAS वास नॉलेज ग्रोथ इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड है। अभी हम लोग अनलिमिटेड नहीं है, हमारे जो सोर्सेस और हमारे स्टेप्स जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड पर रहेंगे, हमारे हम लिमिटेशन में रहेंगे अभी। और आप लोगों को जो फर्स्ट स्टेप पे जो काम मिला है वो मिला है बेकिंग टेक्नीशियन का। अब कई वैकेंसी निकलती है बेकिंग से संबंधित, और उस बेकिंग से संबंधित